क्यूब लेदर से कुछ भी खरीदने से पहले आप मेरा डिस्काउंट कोड गुरु यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 50 रुपीज़ ऑफ मिलेंगे और इस तरह आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में करने वाला अनबॉक्सिंग W11 2021 क्यूब की। एंड ये भैया मुझे क्यूब लेने एंड इसकी प्राइस है 2300 रुपये, मुझे मिला फ्री में, जबकि मैं अपनी स्कीम का पार्ट हूँ, 1 साल हो गया। एंड ये पहला फ्री क्यूब है मुझे क्यूब लेने से मिला हुआ है, तो क्यूब लेने का शुक्रिया कहना चाहूँगा इस क्यूब के लिए। एंड आप इस क्यूब खरीद सकते हैं 2300 रुपये में क्यूब लेने से, लेकिन अगर आप मेरा कोड गुरु यूज़ करोगे तो आपको ये 2250 रुपये मिल जाएगा, 50 रुपये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन इसका एक और एक वर्जन आने वाला है, जिसमें कि मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले इसको अनबॉक्स करता हूँ। अनबॉक्स करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये और एक इसका वर्जन कैसे आने वाला है। तो W11 2019 मेरा मेन क्यूब है अभी भी, तो देखते कि ये कैसा फंक करता है। पहले इसको ओपन करते हैं एंड स्मॉल टोकन ऑफ लव, देन ये मैं फिर से शेयर करना चाहूँगा आप लोग के साथ। ये रहा कोड, 5% ऑफ मिलेगा आपको इस कोड को यूज़ करके, यूज़ कर देना, अगर आपके पास हो तो शेयर कर देना, मैं बाकी लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में डाल के दे दूँगा। देन फोम, एंड ये रहा अपना क्यूब, पूरा पैक है। थोड़ी नॉइस आएगी, बहुत दिनों से बारिश हो रही है पीछे, तो बारिश छुट्टी का नाम नहीं रहती और अनबॉक्सिंग का वेट तो नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी नॉइज जो है आ सकती है। एंड ये जैसे कि डब्ल्यू एम के क्यूब होते हैं GTS 3 के बाद डब्ल्यू एम जैसे क्यूब आए थे, सभी इसी बॉक्स में आए, ऑसू भी इसी बॉक्स में आया था इसी टाइप के। एंड इसमें कुछ तो एक्स्ट्रा दिख रहा है इस बार, तो यहाँ पे कुछ तो कार्ड्स है। देन ये बॉक्स को कैसे रखना है उसके लिए ड्यूअल एडजस्टमेंट टूल जो उसको कैसे यूज़ करना है, तो ये कुछ काम का नहीं है, मैं आपको जो है बता दूंगा बाद में रिव्यू के टाइम, कुछ अलग अगर अलग होगा इसमें कुछ। तो ये है एसेसरीज बॉक्स, तो इसमें अलग स्प्रिंग्स मिलते हैं और यहाँ पे टेप लगाई गई है, तो एक्स्ट्रा स्प्रिंग्स है, मतलब जो अलग स्ट्रेंथ की होगी। तो स्प्रिंग कंप्रेशन के साथ आपको एक्स्ट्रा स्प्रिंग किसी भी क्यूब में नहीं मिलती, तो आपको अलग स्प्रिंग भी मिलती है, स्प्रिंग कंप्रेशन सिस्टम भी मिलता है, तो ये अच्छी बात है। एंड ये कुछ तो अलग है इसमें, मतलब क्या है पता नहीं, ये टूल है लेकिन ये क्यों दिया है पता नहीं, ये चल रहा, तो ये देखेंगे हम बाद में इसका पर्पज़ क्या है, अगर ये निकलता होगा तो नहीं निकलता पता नहीं किस काम का है, बाद में देखेंगे इसको हम। एंड ये जो है ड्यूअल एडजस्टमेंट टूल है, मतलब इसका यूज़ करके आप सभी साइड को इक्वली जो है टाइट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोर एंड स्प्रिंग्स, एंड इसमें एक्स्ट्रा जो है मैग्नेट्स नहीं है शायद से, पहले की क्यूब में हमें एक्स्ट्रा मैग्नेट्स मिलते थे जो कि रिप्लेसेबल रहते थे, मतलब अगर निकल गए तो 4-5 मैग्नेट एक्स्ट्रा रहते थे, हम उसको यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें एडजस्टेबल मैग्नेट्स है तो ये हमें नहीं मिल रहे हैं, तो इसको हम साइड में रखते हैं। अभी बढ़ते हैं मेन क्यूब की तरफ, तो यही बॉक्स में आता था जो भी इसके WRM के क्यूब, WRM सीरीज के क्यूब हैं, वेलॉन्ग के, इसी बॉक्स में आते हैं। एंड बॉक्स वाले में अगर आपको बताओ तो इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर आप इसको निकाल के इसके अंदर क्यूब भी रख सकते हैं, इसको निकाल के आप अंदर भी रख सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से इसको हम आप निकाल सकते हैं कोशिश करके। तो ये शायद से तोड़ दिया है कि मैंने, नहीं शायद से लगेगा ऊपर भी, शायद से वही मैं कह रहा था, इसमें अभी लॉकिंग सिस्टम नया ऐड किया गया है। एंड यहाँ पे आप इस पे कुछ भी क्यूब ऐसे रख सकते हैं, तो मोयू के डिज़ाइन पे ची का क्यूब। तो अभी सब चीज़ें साइड में रखते हैं और मेन क्यूब की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्यूब, तो अभी देखने में छोटा फील हो रहा है लेकिन हम एक्चुअल साइज जो है मेजर करेंगे इसका। शेड देखोगे बिल्कुल फ्रॉस्टी शेड है, मतलब जो भी बजट क्यूब रहते हैं, फिर गैन के क्यूब रहते हैं उनके जैसे ही शेड है, मतलब ग्रिप अच्छी मिलेगी एंड डिज़ाइन तो एकदम बढ़िया लग रहा है। तो ये मेरे पास है WRM 2019 जो कि बेस्ट क्यूब है, तो उसके जैसे डिज़ाइन पहले हम फर्स्ट रनिंग करके देते हैं। तो ये बहुत ही हल्का क्यूब है, बहुत ज़्यादा हल्का है, बहुत ज़्यादा हल्का क्यूब लग रहा है, तो इसका वेट भी करेंगे हम। एंड मुझे बढ़िया लगा इसका फील, मतलब अभी
और ल्यूब्रिकेशन की बात और भी बढ़िया हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। सभी फीचर्स देखने से पहले हम इसको वेट वगैरह एंड डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं, क्योंकि भाई 2000 खर्चा किया मैंने इन सब चीज़ों पे, जो है वेइंग मशीन वगैरह, तो वो सब अभी कर लेते हैं हम। और बहुत ही हल्का क्यूब है, और WRM में एक ही प्रॉब्लम थी, बहुत हेवी क्यूब था 2019 में। एंड साथ में हम इसकी डायमेंशन भी मेजर करेंगे। इससे तो पहले वेट मेजर करते हैं, तो आपको मैं WRM 2019 का भी वेट दिखा देता हूँ। मैंने दिखाया था 89 ग्राम है, टोर्नेडो व्यूटो का वेट 72 ग्राम है, एंड WRM 2021 का वेट 76 ग्राम है। तो डेफिनेटली टोर्नेडो इससे हल्का क्यूब है। एंड अब इसकी जो है साइज़ मेजर करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो किसका गेस सही है वो तो मैं अभी नहीं देख रहा, तो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगा पहले किसने सही गेस किया था। मुझे लगता है एग्जैक्ट 55 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको 0 पे सेट कर लेते हैं पहले, एंड फिर मेजर करते हैं। तो ये 55.08, और एक साइड से देख लेते हैं, जो कि मुझे मिडल वाली साइड लेनी चाहिए। एग्जैक्ट मिडल में है अभी, 55.12 है इसकी साइज, मतलब जब ओरिजिनल क्यूब है उससे जो है थोड़ा ही छोटा है, डायरेक्ट कंपैरिजन में देख सकते हैं, तो थोड़ा ही छोटा है, जो कि अच्छी बात है, ज़्यादा छोटा नहीं बना है इसको, तो 55.12 है। और ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का है, कटिंग एकदम एफर्टलेस है, स्मूथ है। कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि आउट ऑफ द बॉक्स कॉर्नर कटिंग अच्छी नहीं होती, जैसे कि इसकी देखी थी हमने, बहुत ख़राब कॉर्नर कटिंग थी और बाद में सेटअप के बाद बहुत बढ़िया हो गई, तो इसकी भी देख लेते हैं। तो इसमें एक ही अच्छी बात थी कि इसकी कॉर्नर कटिंग एकदम स्मूथ थी, तो ये थोड़ी एफर्टलेस है लेकिन थोड़ी स्नैपी अभी लग रही है, लेकिन लुब्रिकेशन के बाद चाहते बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, और बहुत ही एफर्टलेसली कॉर्नर कट कर रहा है, बहुत ज़्यादा 60 शायद से नहीं कर रहा, लेकिन बाद में शायद सेटअप के साथ ये हो जाएगा। रिवर्स देख लेते हैं, तो रिवर्स सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो एफर्टलेसली कर रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। इसको ओपन करके देखते हैं अभी इसकी सेटिंग्स वगैरह, तो इसमें वही टूल यूज़ किया गया, बाकी कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया, जिसमें कि टोटल 9 सेटिंग्स है, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसको हम सेट करेंगे बाद में, मैं अभी सेटअप नहीं करने वाला। कैप में थोड़े चेंजेस है, कैप थोड़ी चेंज कर दी गई है, इसकी कैप थोड़ी अलग थी, सिर्फ सिंपल सी कैप थी इसकी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें कैप में। तो 2021 मैंने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन ये क्यों मुझे बहुत बढ़िया लगा, मतलब TPS के लिए बहुत बढ़िया, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हेवी था, और शायद से ये बहुत बड़े क्यूब हो सकता है और मेन हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैं रिव्यू का वेट करूँगा, मैं तो आपको बोलूँगा कि रिव्यू का वेट करो मेरा। अभी देखते हैं एडजस्टेबल मैग्नेट्स इसमें कैसे हैं, तो ये है इसकी सेटिंग्स, तो इसमें लगभग 5 सेटिंग्स है मैग्नेट एडजस्ट करने के लिए, तो इसके लिए कुछ टूल इन्होंने नहीं दिया गया शायद से, इसमें दिख तो नहीं रहा मुझे कि एक ही टूल दिया गया, और जो कि डिटेचेबल नहीं है, इसके अंदर कुछ है क्या देखना पड़ेगा पहले, कुछ तो है इसके अंदर, वो देखते हैं, इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ये निकल गया है। एंड इसके अंदर कुछ स्वॉर्ड जैसा है, इसको ओपन करते हैं, और मुझे लगता है कि इसके क्वालिटी पे इनको ज़्यादा भरोसा नहीं है, टूट जाएगी इसलिए बहुत ज़्यादा दी गई है, तो बाकी स्वॉर्ड्स को हम अंदर रख देते हैं। जो टूल है डोरेमोन की याद आ गई, डोरेमोन एंड द मैजिकल 3 मैजिकल स्वॉर्ड्स ऐसा कुछ तो था मूवी का नाम। तो अभी जो सेटिंग्स है वो 1 पे है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, देखते हैं इसको चेंज करके कि कौन सी स्ट्रांग है कौन सी वीक है। ये वीक हो गई,
एंड अभी बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, जब भी हम पीछे आ रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, मेरे ख्याल से अंदर जा रहा है, अब देख सकते बहुत ज़्यादा अंदर गया है और ये मूव ही नहीं हो रहा अभी वन की, सॉरी फाइव पे गया, अभी पहले वन पे था अभी फाइव पे गया। एंड ये अभी स्ट्रांग है, ये टूट गया शायद से, ये कुछ काम का नहीं ये टूल, तो मुझे दूसरा कुछ टूल यूज़ करना पड़ेगा जो हमें टोर्नेडो के साथ मिला था, तो अभी उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो कुछ और टूल यूज़ करते हैं उससे जब से अच्छा है। तो मैंने गड़बड़ फिगर आउट कर ली है कि क्या गड़बड़ थी जिसकी वजह से टूट रहा था, एक्चुअली कुछ जो है ऑलरेडी वन पे है तो वो इस साइड में घूमेंगे या फिर इस साइड में, तो वन पे या फाइव पे वो समझ में नहीं आता जल्दी, तो उसी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो अभी सब सेट कर लिया मैंने इस साइड के, देखते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है वन पे दिख रहा है जो कि इस साइड में नहीं घूम रहा, तो जिसको हमें उल्टे क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज घुमाना पड़ता है, तो उसी लिए टूट से टूट रहे थे, तो कुछ इस साइड घूम रहे कुछ नहीं घूम रहे, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहे कुछ नहीं घूम रहे। तो मैं मिडल पे रखने वाला हूँ सभी सेटिंग जो है। तो अभी तो कुछ फील ही नहीं हो रहे मैगनेट, तो मैं बोलूँगा वन पे ही रुका, कुछ फील ही नहीं होते मैगनेट, और बहुत ज़्यादा हल्का क्यों है, टीपीएस के लिए बहुत सही रहेगा। ऐसा लगता है अभी पॉप हो जाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, थोड़े को सॉल्व करके देखते हैं। क्यूब तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, एंड अगर हम और कंपेयर करें इसको शेड्स से, तो डब्ल्यू आर के शेड्स ऐसे थे पहले और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है शेड्स में, और मुझे गैन के लेवल के शेड लग रहे थोड़े बहुत, अगर हम टोर्नेडो से कंपेयर करें तो टोर्नेडो की बहुत ज़्यादा डार्क है, और इसी क्यूब से मैं कंपेयर करूँगा बाद में रिव्यू के बाद, लेकिन उससे पहले मैं इस क्यूब का रिव्यू करूँगा। ये रहा मेरा टाइमर जिसमें कि मैंने रिचार्जेबल सेल डाली थी, बैटरी डाली थी, लेकिन फिर भी वही इशू हो रहा है, तो इसको निकाल के वापस लगा देंगे हम। तो मोबाइल के टाइमर, सॉरी मेरे टाइमर से कुछ बात बनी, रिचार्जेबल सेल डालने के बाद भी वो ख़त्म हो रहे हैं, मतलब डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो अभी मोबाइल से सॉल्व करते थोड़े बहुत, मुझे इस पर अभी अच्छे सॉल्व नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली क्यों मुझे W19 थोड़ा बेटर लगा क्योंकि थोड़ा हल्का था, और ल्यूब्रिकेशन के बाद शायद से और बेटर हो सकता है क्योंकि उसमें वही फील है, वही कॉर्नर कटिंग में जो है मतलब बहुत ज़्यादा एफर्टलेस है, और मुझे लगता है इसमें मुझे कैचेस वगैरह मिलेंगे, और साइज़ के साथ मुझे खुद को कंफर्टेबल करना पड़ेगा, तो कुछ सॉल्व कर लेते, तो मुझे डेफिनेटली इन दोनों से बेटर लगा अभी के लिए, लेकिन मैं जो फाइनल रिव्यू है अपने रिव्यू के बाद ही दूंगा, मतलब मैंने इसका भी रिव्यू ख़राब दिया था अनबॉक्सिंग के टाइम पे, लेकिन बाद में मुझे कुछ अलग लगा। गैन ड्यू का रिव्यू जो है मतलब अनबॉक्सिंग के टाइम मैंने अच्छा बोला था उसको, लेकिन रिव्यू उतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि अभी उस पर इतने अच्छे सॉल्व नहीं आ रहे, और ये क्यों मुझे बहुत ही बढ़िया लगा अभी के लिए। पहले सॉल्व में मेसअप कर दिया, लेकिन क्यूब थोड़ा अनकंट्रोलेबल है, मुझे ड्यूब करना पड़ेगा वेट फाइव से, एंड बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो मुझे मेरे इस सॉल्व पे भरोसा मत करना, अभी मैं नेक्स्ट संडे को इसका रिव्यू करूँगा, तभी आपको सब बातें पता चलेगी एक्चुअल में कि ये क्यूब कैसा है। सॉल्व इतने अच्छे नहीं आएंगे क्योंकि अभी मुझे इस क्यूब की आदत नहीं, क्यूब को सेटअप भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इस क्यूब पे थोड़ा मज़ा आ रहा है। थोड़ा अनकंट्रोलेबल भी है क्यूब अभी, रॉन्ग एफपीएल मैंने पिछले साल में डाला था, सॉल्व इतने अच्छे नहीं आएंगे अभी, ऑब्वियसली इसको सेटअप नहीं किया है, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि
और शायद से मेन बन सकता है अगर मैं इसको ठीक से सेटअप कर पाया तो मेन बन सकता है क्यूब, जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है। और TPS प्राइम करने के लिए अगर आपको क्यूब लेना है तो मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा, और आपको अगर क्यूब लेना है तो आप मेरी लिंक से ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में और मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इसको स्किप का बटन ही नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, इस क्यूब से बहुत ज़्यादा फास्ट है, इस क्यूब से भी फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर इसको ठीक से सेटअप किया गया तो मेरा मेन बन सकता है। मैंने एक बात अभी तक नोटिस नहीं की, इसके पीसेस की डिज़ाइन जो है वो कितनी चेंज हुई है, तो वो भी देख लेते हैं अभी। तो इसको मैंने बहुत दिनों से मतलब क्लीन नहीं किया, तो डिज़ाइन तो मुझे सेम ही लग रही, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं लगा, सिर्फ यहाँ पे कुछ पैटर्न ऐड किया गया है जो कि मुझे नहीं लगता इतना यूज़फुल है। एज को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, मतलब साइज़ थोड़ी कम कर दी गई है एंड ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन इसमें जो डबल ट्रैक थे वो इसमें कम है, मतलब यहाँ पे छोटा किया गया है, जो कि शायद से मैटर करेगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन देखते हैं अभी सॉल्व में कैसे परफॉर्म करता है। और बाकी जबकि इसको प्राइमरी किया गया इसका फील बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा लुब्रिकेशन के बाद, अभी भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब पीछे से फील नहीं होता, लेकिन क्यूब बहुत ज़्यादा ड्राई है, इसमें थोड़ा भी लूप नहीं है, मतलब फैक्ट्री लूप है ही नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा ड्राई है और परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। देखेंगे हम इसका परफॉर्मेंस बाद में, मैं लुब्रिकेट करूँगा इसको, सेटिंग वगैरह आपको दे दूँगा कि इसको कैसे सेटअप करना है, एंड पूरा एक वीक यूज़ करके मोर देन 1000 सॉल्व मैं करूँगा इस पर। सेटअप करने के बाद तब मैं आपको इसका रिव्यू दूँगा, तो तब तक आपको इसका वेट करना पड़ेगा। और डेफिनेटली अभी के लिए मैं टोर्नेडो V2M से इसे ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। तो आपको अगर इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना है मेरे रिव्यू से पहले, तो मैं डेफिनेटली W2021 सजेस्ट करूँगा। और एक चीज़ जो मैंने आपकी बोली थी कि बहुत ज़्यादा टाइट है, तो एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि इसकी प्राइस जो है 1850 होने वाली है, तब तक आपको इसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो सेटअप है हार्ड जो मतलब ये वाला शायद से ये वाला कम करने वाले हैं कुछ, तो और जिसकी प्राइस होगी 1850 होता है, $25 की प्राइस होने वाली है, तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा इस क्यूब की प्राइस कम होने तक। तो अभी के लिए मुझे बहुत बढ़िया लगा क्यूब, और ये मेरा मेन बनेगा ऐसा मुझे लगता है, मैं 90% में श्योर हूँ कि ये मेरा क्यूब आगे मेन बनेगा, क्योंकि ये क्यूब थोड़ा हेवी लग रहा था मुझे और मुझे हल्की क्यूब पसंद है। तो ये मुझे पहले टेंगी पसंद था जो हल्का क्यूब था, और उसके बाद मैं इस पर शिफ्ट हो गया जो कि टोटली डिफरेंट क्यूब था, लेकिन दोनों की कॉर्नर कटिंग अमेजिंग थी, और दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हल्का है, फास्ट है और कॉर्नर कटिंग भी बेटर है। तो रिव्यू तक वेट करना, तब तक अगर आपको लेना इन दोनों में से कोई डिसाइड करना है तो मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो। तो इस वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।